मुझी सभी लसबेले के वारसी जितना भी मू आ लसबेले के डिस्ट्रिक्ट हब या डिस्ट्रिक्ट लसबेलो और इन से गड गड रिक्वेस्ट कस कि जो बलोस्तान पैकेज वजीर आला साहब का वजीर आला बलोस्तान जाम कमाल साहब और कादिर साहब जामुट साहब की तरफा जो इलाज थी रो और मुख्तलिफ हॉस्पिटल में और खास करके मुर्शिद हॉस्पिटल में सहूलत भी सही है और उनको अमलो और उनको स्टाफ है वो देखभाल भी करे तो और डॉक्टर भी बेहतर तो मुझे चवण यो जितना भी मानू आन और जिनकी भी मन मुश्किल पेश अचे थी जिन जहाँ वालदेन या सिस्टर या भाई बीमार कंडीशन सही ने तो वो अचन मुर्शिदम पो इलाज कराइन और मुर्शिदम सुठो बेहतरीन इलाज थी रो तो इन हवाले से बारह सभी से रिक्वेस्ट है जेके भी डिस्ट्रिक्ट लसबेले जहाँ मानून और डिस्ट्रिक्ट हब जहाँ मानून वे सब अचन और तो इलाज जो फायदो वन और इलाज कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद हैं मशहूर हॉस्पिटल में और हम एक पेशेंट हैं उनके बेटे से यहाँ हम बात करेंगे जो कि मशहूर हॉस्पिटल में आए और इलाज करा रहे हैं वालिद साहब का तो आइए उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम भाई क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ लसबेला यूनिवर्सिटी लॉम्स उत्तल। अच्छा तो रहते कहाँ हैं आप? हम लोग रहते हैं लसबेला तहसील में। तहसील में लसबेला। अच्छा ये आपके जो पेशेंट है आपके वालिद हैं? जी हाँ अहमद नाम है। अहमद नाम है। तो कितनी उम्र है इनकी? इनकी तकरीबन 80 है। 80 साल उम्र है। अच्छा ये बताएं कि उनको क्या हुआ था? इनको इनका चेस्ट का मसला था, सीना और छोटे पेशाब का मसला था जो रुक नहीं रहा था और डायरेक्ट हो जाता था, डायरेक्ट के बाद कभी कभी वापस रुक के फिर डायरेक्ट हो जाता था, ये मसला था। अगर यहाँ जब आए तो आपने कौन से डॉक्टर से रब्ता किया? हम लोगों ने रब्ता किया डॉक्टर फैसल साहब से, उसके सेकंड में फिर डॉक्टर अरीबा, ठीक है, उससे मिले, उसने हमें फिर दाखिल करवाया। मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे जो सबका वजीर आला बलोस्तान जाम कमाल साहब हैं और उसके साथ कादिर साहब हमारे काफ़ी मोज़ अजीज़ भाई हैं, हमारे कादिर साहब जामोट जो लसबेला डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन हैं, उसका मैं शुक्रिया अदा करूंगा और जाम साहब का भी बहुत बड़ा मेहरबान, हम शुक्रगुजार हैं जिनने हमें ये एक गरीब आवाम के लिए एक पैकेज रखा मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में और इसमें से एक हॉस्पिटल ऐसा जो मुर्शिद है वो हमें बलोस्तान वालों के लिए काफ़ी बेहतर और सही है और उनकी फैसिलिटी सहूलत भी हमारे हक में और बेहतर है। अच्छा अब आपने वालिद को की बात करते हैं आपसे कि वालिद साहब को जो आपने एडमिट करवाया अब तबीयत कैसी है, अब सेहत कैसी है उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है बेहतर। अभी इस टाइम जो टेस्ट वगैरह कराए हैं, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो इसे 2 से 3 दिन के बाद मिलने हैं और कुछ रिपोर्टें आ गई हैं और बाकी टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, उसके इलाज भी जारी है। अच्छा अपने इस मशहूर हॉस्पिटल का डॉक्टर यहाँ का अमला वगैरह आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है बेहतर है, अच्छे लोग हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि अभी आपसे बात हुई सेहत कार्ड के हवाले से तो आपने बड़ी अच्छी बात की, सेहत कार्ड जो है गरीबों के लिए एक नेमत है और सेहत कार्ड जो है बलोस्तान के इलाके के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो रहा है और लोग बड़े फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मज़ीद आप बताएंगे इसके बारे में? नहीं बिल्कुल वाकई ये बहुत अच्छी बात है गरीब बनने के लिए और इसके हट के जो आवाम बलोस्तान की है जितना फ़ायदा लेती है और ले और ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है, अच्छा इकदाम है।